हाय एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई है इसलिए क्योंकि जो है आज का जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक मीटर ले लेना है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक MCC भी ले लेना है क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। मैंने तो यहाँ पे MCC का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है आइसोलेटर ले लेना है, तो उससे भी आपका काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है आपके सामने हम कर रहे हैं और आपको जो है बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से है इस वीडियो को समझना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि हम आज की वीडियो में एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक मीटर लिया है। मीटर लेने के बाद एक हमने 2.5 का जो है कैपेसिटर लिया है। ठीक है, और हमने एक MCCB का यूज यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो हमने यहाँ मेन मीटर लिया है, मीटर के जो न्यूट्रल और फेस है, न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट जो है MCB के ऊपर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, MCCB के, और जो हमारा दूसरा फेज वाला वायर है वो कैपेसिटर के थ्रू यानी कि हमारा चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी ऊपर कनेक्शन कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो लेफ्ट हैंड पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो है मीटर की मेन जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मीटर की मेन जो है मैंने जोड़ दिया है, तो अभी उसको हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बल्ब जो है हमारा पहले के जैसे जो है जल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको कर रहे हैं, इसमें तीन एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हमारे घर का लोड बहुत ज़्यादा है और अगर हम इसमें कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं ना, तो दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरे तरीके में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने कैपेसिटर आपको लगा के दिखाया है अभी, क्योंकि ये जो लाइट को जो है ना एब्जर्व करता है, यानी कि लाइट को अपने अंदर स्टॉक कर लेता है और उतनी ही लाइट भेजता है जितने की आगे ज़रूरत हो। ठीक है, ये फैन के लिए यूज करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट इसका करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो आप देख लो, दूसरे के लिए हमें क्या करना है, मेन हमने पहले से जोड़ रखी है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल वो कैपेसिटर हमने हटा दिया है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट ऊपर दे दी है और हमारा फेज जो है ये इनपुट, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा इनपुट है और राइट हैंड की तरफ हमारा आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, इधर से लेफ्ट से जाएगी और राइट को बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने MCCB के ऊपर कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से मीटर में हमने लाइट जोड़ दी, MCCB को ऑन, MCCB को हमने ऑन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं सामने हमारे जो है प्रॉपर बल्ब जल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा जो बल्ब है ये उस स्पीड से नहीं जलता जिस स्पीड से हमको चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको हटा करके तीसरा एक्सपेरिमेंट हमको हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो है ध्यान से देख लेना कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको प्रॉपर बताएँगे, जो पहला स्टेप आपने देखा, दूसरा स्टेप आपने देखा, लेकिन ये हमको अब हम आपको तीसरा स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप कुछ सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक डिवाइस है जो हमने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर जो है एम्पियर का भी होता है और वोल्टेज का भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका लगाने का फ़ायदा मैं आपको बता दूँ क्या होता है। ये अगर आपके घर में लाइट जो है ज़्यादा घुस जाती है, मतलब 242-230 वोल्टेज जो है नॉर्मल आते हैं। ठीक है, अगर 230-242 प्लस हो जाए, यानी कि 300 अगर हो जाए, तो ये जो है अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो आपके घर के अंदर का कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान आपको होगा, इसका लगाने का फ़ायदा ये होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं इसके कनेक्शन करूँगा, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कनेक्शन इसके किस तरीके से करने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है तीन टर्मिनल है और हमारे पास दो ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर हम दो के साथ दो का कनेक्शन करें तब तो हमारी समझ में एकदम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2+3 यानी कि हमारे पास जो टर्मिनल है MCCB के अंदर तो दो टर्मिनल है और इस डिवाइस के अंदर जो है वो तीन टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का कनेक्शन आप ध्यान से देख लेना किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वायर का टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी जो हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। न्यूट्रल हमने लूप कर दिया है, ये हमारा फेस है। ठीक है,
अब हम फेस लगाएंगे दूसरे वाले हिस्से में। ये आप देख सकते हैं सामने, अब जो है फेस हम दूसरे वाले हिस्से में लगा देंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास तीन टर्मिनल है, दूसरा जो है हमारा अभी खाली है, ठीक है दोस्तों। अब देख लो तीसरे का कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने होल्डर का जो हमने लोड के लिए यहाँ पे होल्डर और बल्ब का प्रयोग किया है, तो जो तीसरा पॉइंट था उसमें हमने होल्डर की वायर कनेक्ट कर दी है, और जो हमारा इधर पहले वाला था हमने उसमें न्यूट्रल दे दिया है वहीं से, क्योंकि न्यूट्रल इसका जो है कॉमन रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है एम्पियर और वोल्टेज दिखाएगा, नीचे वाला एम्पियर वाला था और ऊपर वाला जो है वोल्टेज वाला, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है सप्लाई को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो है अगर आपको समझ में आ गया है कनेक्शन किस तरीके से हमने इसका किया है, तो कमेंट में आप जो है राइट का कमेंट कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है। और इस तरीके की वीडियो आगे भी देखने के लिए जो है हमको लाइक कर देना हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमने लगा दी यहाँ पे, हमने इसकी जो सप्लाई थी MCB को ऑन किया और डायरेक्ट इसके अंदर सप्लाई हमारी आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हमने इस डिवाइस का जो यूज़ किया है वो किस लिए किया है, हमने आपको प्रॉपर सारा बता दिया है। और इसके अंदर जो है कुछ सेटिंग भी होती है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, और इस डिवाइस का क्या नाम है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया है। तो इस डिवाइस को हम घर के अंदर इसलिए लगाते हैं ताकि ये अगर वोल्टेज ज़्यादा रहे तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट।